लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रानी अंजना, आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे और प्रातःकाल होते ही हम ऋषिमुख पर्वत की ओर प्रस्थान करेंगे। जैसा आप उचित समझे स्वामी। सूर्योदय के साथ साथ यदि तुम लोगों ने तारा अंगद रूमा का पता नहीं लगाया तो मैं तुम सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। वनराज बाली, वनराज बाली, क्या हुआ सेनापति? महाराज केसरी और महारानी अंजना समीप ही पड़ाव डालकर बैठे हुए हैं। केसरी और यहां? हाँ। चलो मेरे साथ। देवी अंजना, हनुमान अचानक हमको अपने सामने देखकर आश्चर्यचकित रह जाएगा। सैनिकों, घेर लो इन सबको चारों तरफ से। वानरराज बाली, आप? हम, अब आप हमारे बंदी हैं। बंदी? ये क्या कह रहे हैं आप? आप हमारे बंदी हैं क्योंकि आपका पुत्र हनुमान हमारा कट्टर शत्रु बन चुका है। हनुमान आपका शत्रु? ये असंभव है वानर राजबाली। और दो वानर कुलों में शत्रुता कैसी? जो असंभव था वो संभव हो चुका है। हमारा भाई सुग्रीव हमारा शत्रु बन चुका है और सुग्रीव का रक्षक हनुमान हमारे कार्य में बाधा डालकर हमारा महाशत्रु बन चुका है। हनुमान किसी का शत्रु नहीं हो सकता, इन्हें समझाइए स्वामी। हमने सोच समझ कर आपको बंदी बनाने और बंदी घर में भूखा रखकर तड़पाने का निश्चय कर लिया है। सैनिकों, डाल दो इन दोनों को बंदी घर में। शहरो, वानर कुल शिरोमणि हनुमान के पिता को बंदी बनाने की कुचेष्टा करने वाले बाली, लगता है तेरा काल निकट आ गया है। बाली, लगता है तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। काल तो तेरा निकट आ गया है केसरी, अब तू हमारा शत्रु बन चुका है और ये सारा संसार जानता है कि हमारे सामने आते ही हमारे शत्रु का बल आधा रह जाता है। तूने हमें अपशब्द कहकर अपने जीवित रहने का अधिकार भी खो दिया है। लगता है तेरी मृत्यु ही तुझे यहाँ खींच लाई है। बंदी बना लो इन सब सैनिकों को। सैनिकों, पकड़ लो इन सबको। हनुमान, हनुमान कहाँ हो तुम पुत्र? जय श्री राम। माता, तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा पुत्र हनुमान आ गया है। बाली, तू इतनी नीचता पर उतर आया है
कि तूने मेरे पूज्य माता पिता पर प्रहार किया। हनुमान, तो तू आ गया, मैं तुझसे भी निपट लूंगा। सैनिकों, केसरी रंजना को बंदी बनाकर ले जाओ, मैं अकेले ही इससे निपट लूंगा। हाँ हनुमान, तुझे मारने के लिए मेरे हाथ छटपटा रहे हैं। बाले, यदि तूने या तेरे सैनिकों ने मेरे पूज्य माता पिता को स्पर्श करने की चेष्टा भी की, तो तुम सब मेरी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। नहीं वानराज, हम हनुमान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। हम बिन मृत्यु मरना नहीं चाहते। सैनिकों, लौट चलो। सैनिकों, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। बाली, मैंने तुझे एक बार नहीं, बार बार क्षमा किया। मैंने सच्चे हृदय से तुम दोनों भाइयों में मेल कराने का प्रयास किया। तुम दोनों भाइयों के अकारण शत्रुता को समाप्त करने की भरसक चेष्टा की मैंने, परंतु जिसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है उसे भला कौन बचा सकता है। अब मेरी सारी मर्यादाएं समाप्त हो चुकी हैं बाली, सारी मर्यादाएं समाप्त हो चुकी हैं। आज मेरे धैर्य का बांध भी टूट चुका है बाले, और तूने मेरे पूज्य माता पिता पर प्रहार करके अपने जीवित रहने की सारी संभावनाएं समाप्त कर दी है बाले। अब तू मेरे हाथों जीवित नहीं बचेगा। नहीं बाले, एक निहत्ते पर गदा प्रहार करके मैं अपनी वीरता का दुरुपयोग नहीं करना चाहता। कहता है ना कि तेरे सामने आने पर तेरे शत्रुओं का बल आधा हो जाता है, तो ले, आज मैं तेरे सामने भी हूं और तेरा शत्रु भी। देखता हूं मेरा बल आधा होता है या दुगना। अब तेरा अंतिम समय आ गया है, अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। पुकार ले अपने इष्ट देव को। नारायण नारायण। नहीं हनुमान नहीं, तुम्हें श्री राम की शपथ है, तुम बाली को मारने का विचार भी अपने मन में नहीं लाओगे। बाले, आज मैं तुझे फिर जीवित छोड़ता हूँ। जा, चला जा, शीघ्र अतिशीघ्र मेरी आंखों से दूर हो जा। इस पराजय और अपमान से तो अच्छा था कि तुम मेरे प्राण ही ले लेते हनुमान। यह अपमानित जीवन जीकर अब मैं क्या करूंगा। चला जा बाली, भाग जा यहां से, जा। देवर्षि, मुझे क्षमा कर देना। देवर्षि, मैं हृदय से आपका आभारी हूं जो आपने मेरे वचन की मर्यादा की रक्षा। पुत्र, माता, प्रणाम माता श्री, प्रणाम पिताश्री। पुत्र, पिताश्री, पिताश्री, माता, माताश्री, तुम क्यों क्षमा मांग रहे थे पुत्र? माता, मैंने देवर्षि नारद को शपथ दी थी कि मैं बालिका वध इन हाथों से कभी नहीं करूंगा, परंतु आप दोनों पर प्रहार होता देख मैं अपने आप को रोक नहीं पाया,
इसीलिए मैं क्षमा मांग रहा था माता, इसीलिए क्षमा मांग रहा था। पुत्र, शपथ तोड़ने से बड़ा और कोई पाप नहीं। भला मेरा पुत्र कोई भूल कैसे कर सकता है? हनुमान, हम तुमसे मिलने के लिए कितने आतुर थे। माता, मैं तो सदा आपको मिलने के लिए तड़पता रहता था, परंतु क्या करूं, अपने वचनों से बंधा हूं। मैं समझती हूं वत्स, सब कुछ समझती हूं। तुम तो सारे संसार में मित्रता, वचन और प्रण के अद्भुत आदर्श प्रस्तुत कर रहे हो। तुम मिल गए, हमें सब कुछ मिल गया। भगवान शिव शंकर तुम्हारी रक्षा करें। तुम जाओ, जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो पुत्र। नहीं माता, पहले मैं आप लोगों को सुरक्षित सुमेरु तक पहुंचा देता हूं। लाइए पिताश्री। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।